नमस्कार साथियों साथियों आज अपन पढ़ेंगे जेरेमी बेंथम के बारे में, जो आपका राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा बीए तृतीय वर्ष का जो सिलेबस है, पेपर का नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पाश्चात्य राजनीति विचारक। तो उसमें एक विचारक आपके दिया हुआ है जेरेमी बेंथम, तो उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो उसकी पूरी जीवनी है, उसके बारे में अपन सही विस्तार यहाँ चर्चा करेंगे। तो जो जेरेमी बेंथम है में यहाँ हुई है। तो सबसे पहले जेरेमी बेंथम हम पढ़ते हैं, तो उससे पहले एक उपयोगितावादी विचारधारा है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो है बेंथम का जीवन परिचय पढ़ेंगे, जो बेंथम की रचनाएं हैं मोस्टली उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, और जो बेंथम ने जो उपयोगितावादी सिद्धांत दिया है उसके बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जेरेमी बेंथम का जीवन परिचय पढ़ने से पहले जो पहले प्रचलित विचारधारा है उपयोगितावाद, उसके बारे में अपन यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो उपयोगितावाद का जो मूल उद्देश्य है वो है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, यानी कि उपयोगिता को किस प्रकार यूज में लिया जाए जिससे कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख प्राप्त किया जा सके, और जो बेंथम ने अपने समय में किस प्रकार से उपयोगितावाद की धारणा का प्रचलन किया है वो यहाँ अपन देखते हैं। ठीक है साथियों, तो आपसे परीक्षा में जैसे उपयोगितावाद का प्रवर्तक कौन है, इस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है। तो उपयोगितावाद का प्रवर्तक है वो जेरेमी बेंथम को यहाँ कहा गया है। उपयोगितावाद 19वीं सदी में इंग्लैंड के दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित राज्य कार्य से संबंधित एक प्रभावशाली दर्शन है, यानी कि यह कहाँ प्रचलित हुआ, इंग्लैंड में, वो इंग्लैंड के जो राजनीतिक दर्शन जो इंग्लैंड के जो दार्शनिक हैं उनके द्वारा इसका जो है प्रतिपादन यहाँ किया गया है। किस चीज़ का, उपयोगितावाद का। उपयोगितावाद का आधारभूत विचार उपयोगिता है, और इस सिद्धांत के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित राज्य की प्रगति तथा श्रेष्ठता की कसौटी है, यानी कि जो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है, अधिकतम हित है, वो राज्य की प्रगति की श्रेष्ठता यहाँ बताई गई है। इस विचारधारा के अनुसार सभी राजकीय और सामाजिक कार्यों का मापदंड उपयोगिता ही होना चाहिए, यानी कि इस जो विचारधारा का उद्देश्य है वो यहाँ क्या बताया गया है कि सभी राजकीय और सामाजिक कार्यों का मापदंड उपयोगिता ही होना चाहिए। जितने भी राजनीतिक कार्य होते हैं, सामाजिक कार्य होते हैं, तो उनका जो भाव है वो सिर्फ उपयोगिता ही यहाँ होना चाहिए। वस्तुतः उपयोगिता को ही मानव जीवन का आधार मानकर जिस राजनीतिक दर्शन की सृष्टि की गई उसे ही हम उपयोगितावाद कहते हैं, यानी कि उपयोगिता को ही मानव जीवन का आधार मानकर जिस राजनीतिक दर्शन की सृष्टि की गई है उसे ही क्या कहा गया है यहाँ, उपयोगितावाद, यानी कि वो चीज़ मनुष्य के किस प्रकार उपयोगी हो सकती है। तो इस प्रकार की जो दर्शन की जो सृष्टि की गई उसे यहाँ उपयोगितावाद कहा गया है। एक रचना यानी कि एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना में कहा गया कि उपयोगितावाद आचार शास्त्र का एक सिद्धांत या नीति है, यानी कि आचार शास्त्र का एक सिद्धांत या नीति इसको बताया गया है, जो इस बात का प्रतिपादन करता है कि जो कुछ उपयोगी है वह श्रेष्ठ है, यानी कि जो कुछ हमारे लिए उपयोगी है वो श्रेष्ठ है, और उपयोगिता विवेक पूर्व निर्धारित की जा सकती है। जो उपयोगिता है उसको विवेक पूर्वक यहाँ निर्धारित किया जा सकता है, तथा सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत और नीतियाँ उपयोगिता के सिद्धांत पर ही आधारित होनी चाहिए, यानी कि जितनी भी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत की जो नीतियाँ हैं वो उपयोगिता के आधार पर ही निश्चित की जानी चाहिए। तो साथियों यहाँ जो है आपको कि उपयोगिता किसे कहा गया है या उपयोगिता के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, यहाँ 2 नंबर का सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, और साथियों इसको 5 नंबर के सवाल में भी आपको पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ का आपको अर्थ यहाँ आना चाहिए। वास्तव में उपयोगिता मानवीय आचरण की प्रकृति और प्रेरक एवं नैतिक निर्णय के स्तर से संबंधित एक नैतिक सिद्धांत है, यानी कि जो उपयोगितावाद है वो मानवीय आचरण की प्रकृति और प्रेरक एवं नैतिक निर्णय के स्तर से संबंधित एक नैतिक सिद्धांत इसको बताया गया है। बेंथम तथा मील आदि उपयोगितावादियों ने इस नैतिक सिद्धांत को राजनीतिक क्षेत्र में लागू करने का कार्य किया,
यानी कि जो जेरेमी बेंथम है, जेएस मिल है, तो ये जो उपयोगितावादी विचारक हैं दोनों, तो इन्होंने उपयोगितावादी सिद्धांत को यहाँ राजनीति क्षेत्र में लागू करने का प्रयास किया है। इस प्रकार उपयोगितावाद का अध्ययन नैतिक और राजनीतिक दो रूपों में किया जा सकता है। नैतिक सिद्धांत के रूप में इसे सार्वलौकिक सुखवाद कहा जा सकता है, यानी कि नैतिक और राजनीतिक दो क्षेत्रों में इसका उपयोग यहाँ किया जा सकता है। नैतिक सिद्धांत के रूप में इसे सार्वलौकिक सुखवाद कहा जा सकता है और इस रूप में यह सिद्धांत एपिक्यूरस के दर्शन से संबंधित बताया गया है। लेकिन वर्तमान सुखवाद ग्रीक सुखवाद से इस प्रकार से भिन्न है, जहाँ ग्रीक सुखवाद परोपकारी है, वर्तमान सुखवाद अहमवादी है। यह सिद्धांत इस मूल मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य मूल रूप में एक इंद्रिय प्राणी है और सदैव सुख की खोज करता है, यानी कि मनुष्य एक सोचने विचारने समझ वाली तरह की मशीन है जो हमेशा सुख की खोज में लगा रहता है तथा दुखों से बचना चाहता है। प्रत्येक वह कार्य जो सुख की अपेक्षा दुख की उत्पत्ति अधिक करता है, तो वो कार्य क्या है, या तो गलत है या बुरा है। और वह प्रत्येक कार्य जिसका परिणाम दुख की अपेक्षा अधिक सुख है, यानी कि सुख देने वाला जो कार्य है, या अच्छा या सही है, इस प्रकार सुख समस्त मानवीय प्रयत्नों का सर्वोच्च लक्ष्य है, यानी कि मनुष्य जो है अधिक से अधिक सुख प्राप्त यहाँ करना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति के सुख के साथ उसके तथा अन्य व्यक्तियों के सुख का भी प्रश्न जुड़ा होता है, यानी कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसका सुख है, तो उसके सुख के साथ में अनेक व्यक्तियों का प्रश्न भी उससे जुड़ा होता है यहाँ, और यहीं पर राज्य की उपयोगिता सामने आती है। उपयोगितावादियों के अनुसार राज्य का अस्तित्व ही उसकी उपयोगिता का कारण है। यहाँ उपयोगिता कहते हैं कि उपयोगितावादियों के अनुसार राज्य का अस्तित्व ही उसकी उपयोगिता का कारण, यानी कि जो राज्य का अस्तित्व वर्तमान में बना है, तो उपयोगी होने के कारण ही उसका अस्तित्व जो है बना हुआ है। हम राज्य के प्रति भक्ति इसलिए रखते हैं कि वह हमारे लिए उपयोगी है। ऐसी स्थिति में राज्य का यह स्वाभाविक कर्तव्य हो जाता है कि वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की वृद्धि का प्रयत्न करें, यानी कि राज्य जो है, राज्य की आम आज्ञाओं का पालन इसलिए करते हैं कि वो हमारे लिए उपयोगी है, इसलिए राज्य को जो है व्यक्तियों का अधिकतम सुख की अधिकतम हित की कामना से कार्य यहाँ करना चाहिए। राज्य की कानूनों और कार्यों की परख सुख के सिद्धांत के आधार पर ही की जा सकती है। राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतियों, नीतियों तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों में केवल उपयोगिता ही मापदंड और इन संस्थाओं एवं कार्यों का एकमात्र औचित्य यहाँ है। इस प्रकार उपयोगितावाद भी व्यक्तिवाद की तरह समाज को व्यक्तियों का योग मात्र ही मानता है, अतः जो कुछ व्यक्ति के लिए ठीक है वही संपूर्ण समाज के लिए ठीक होगा। वह समाज कल्याण को व्यक्तियों के व्यक्तिगत सुख का संग्रह मानता है। इस दृष्टिकोण से उपयोगिता का आधार व्यक्तिवाद ही है, यानी कि जो उपयोगिता का आधार माना गया है यहाँ मुख्य है, उसको व्यक्तिवाद के आधार पर ही माना गया है। अब साथियों, ये जो उपयोगितावाद की अपन ने यहाँ चर्चा करी, तो ये जेरेमी बेंथम और जेएस मिल के समय में प्रचलित ये धारणा थी उपयोगितावाद। अब इसके बाद अपन यहाँ पढ़ेंगे जेरेमी बेंथम का जीवन परिचय, ठीक है ना, यानी कि जो बेंथम का जो जन्म है वो इंग्लैंड में हुआ, और बेंथम जो है कानून के अच्छे ज्ञाता यहाँ माने गए, तो कानून यानी कि जो जन्मजात प्रतिभा बेंथम में बहुत प्रतिभावान थे बचपन से ही, बहुत ही छोटे कम समय में उन्होंने कानून की डिग्री, स्नातक की डिग्री पास करी, कानून का ज्ञान इन्होंने लिया, तो कानून पढ़ने के बाद इनको मालूम हुआ कि कानून में बहुत सी कमियां हैं, तो इनको दूर किया जाना चाहिए, और उन कमियों को वो दूर करने में लग गए। उपयोगितावाद के प्रवर्तक जेरेमी बेंथम का जन्म 1748 ईस्वी में इंग्लैंड के संपन्न वकील घराने में हुआ, यानी कि वकील थे इनके पिता, इस घर में उनका जन्म हुआ 1748 में। बेंथम बचपन से ही असाधारण प्रतिभाशाली था, यानी बहुत इंटेलिजेंट छात्रों की श्रेणी में इसको माना जा सकता है, और अपने इस प्रतिभा के बल पर उसने 15 वर्ष की आयु में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास कर ली, यानी कि 15 वर्ष की जो है आयु में उसने ऑक्सफोर्ड जो विश्वविद्यालय वहाँ से जो है स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की।
बेंथम अपनी असाधारण योग्यता के कारण ही अपने गुरुओं को अयोग्य तथा साथियों को मूर्ख समझता था, यानी कि जन्म से इंटेलिजेंट था, इस प्रकार वह अपने गुरुओं को क्या कम योग्य समझता था, कम योग्य तथा साथियों को एक तरह से वो मूर्ख समझता था। स्नातक उपाधि प्राप्त करने के बाद उसने लिंकन्स इन में कानून का अध्ययन करने के लिए, यहाँ कोई संस्था है लिंकन्स इन, तो उसमें कानून की पढ़ाई के लिए वहाँ इसने जो है प्रवेश लिया। 1772 ईस्वी में उसने वकालत करना प्रारंभ किया, लेकिन थोड़े समय बाद ही उसने इस व्यवसाय को छोड़ दिया। अपने युग के इस बौद्धिक आचार्य को थोड़े समय तक वकालत करने पर ही तत्कालीन कानून और कानून व्यवस्था के दोषों का ज्ञान हो गया, यानी कि जो इसने वकालत करी कुछ समय, लेकिन वकालत करने के तुरंत बाद इसने समझा कि इस कानून में कुछ कमियाँ हैं, तो उन कमियों को किस प्रकार से दूर करा जाए, तो इस कार्य में वो लग गया। कानून व्यवस्था के दोषों का ज्ञान हो गया और वकालत करने के स्थान पर उसने अपने जीवन का ध्येय कानूनी पद्धति का संशोधन करना निश्चित किया और उसने ठान लिया कि अब मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, कि इन कानूनी जो कमियां हैं उनमें सुधार करना मेरे जीवन का लक्ष्य होगा। इस प्रकार से कानूनी पद्धति में जो है संशोधन करने के लिए वो लग गया। इसके बाद जो है बेंथम 1772 ईस्वी में कानूनी पद्धति के संशोधन कार्य में लग गया और 1776 ईस्वी में उसकी प्रथम पुस्तक शासन पर कुछ विचार फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रकाशित हुई, यानी कि उसकी जो रचना है फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट वो प्रकाशित हुई। इस पुस्तक ने उस समय के दिग्गज विधि शास्त्री ब्लैकस्टोन की आलोचना करके कानून के क्षेत्र में हलचल मचा दी, यानी कि उस समय बेंथम के समय में ब्लैकस्टोन जो है विधि शास्त्री काफ़ी प्रचलित थे, तो जो कानून की कमियां थी उन्होंने जो अपनी पुस्तक थी बेंथम ने फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट उस कमियों को दूर करने का प्रयास किया और जो विधि शास्त्री ब्लैकस्टोन उनके विचारों की आलोचना की, तो कानून के क्षेत्र में एक बड़ी हलचल सी वहाँ उस समय मच गई। बेंथम प्रतिदिन नियमित रूप से लिखने वाला असाधारण व्यक्ति था और ज्ञान विज्ञान के सभी क्षेत्रों में उसकी निर्बाध गति थी, यानी कि उनको सभी चीज़ों का एक तरह से नॉलेज था, लेकिन उसका लेखन कार्य अत्यधिक अव्यवस्थित था। लेकिन लिखने की जो शैली थी लिख दिया तो उसमें सिस्टमेटिक तरीके का अभाव था, व्यवस्थित नहीं था वो कार्य। 1788 में उसकी भेंट जेनेवावासी कुमारी धुमंतो से हुई, जिसने उसकी रचनाओं का सभ्य जगत की फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया, यानी कि जो उसकी रचनाएं थी उनका फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया उसने। इससे फ्रेंच भाषाभाषी प्रदेशों में उसकी ख्याति बढ़ी। 1821 में उसे 28 वर्षीय बोरिंग नामक भक्त नवयुवक का सहयोग मिला, यानी कि एक नवयुवक का सहयोग उसे और मिला, जिसने उसके कुछ ग्रंथों को 11 खंडों में प्रकाशित किया, किंतु उसके लेखों का एक बहुत बड़ा भाग आज भी एक अलिखित रूप में प्रकाशित है। वृद्धावस्था तक बेंथम कितना अधिक सक्रिय था इसका प्रमाण यह है कि उसने अपने उग्र विचारों का प्रचार करने के लिए 76 वर्ष की आयु में वेस्ट मिनिस्टर रिव्यू नामक पत्र निकाला, यानी कि उन्हें काफ़ी उम्र के बाद जो है 76 वर्ष की अवस्था में भी एक वेस्ट मिनिस्टर रिव्यू पत्र निकाला और 79 वर्ष की अवस्था में उसने लंदन विश्वविद्यालय के मूल यूनिवर्सिटी कॉलेज को इस उद्देश्य से स्थापित किया कि यह ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के दूषित वातावरण से मुक्त रहे, यानी कि लंदन में उसने एक यूनिवर्सिटी कॉलेज स्थापित किया और इस उद्देश्य से स्थापित किया कि यह ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के वातावरण से ये मुक्त रहे। उसने उपयोगितावाद के साथ साथ सुधारवाद की नींव भी दृढ़ की। चीर कुंवारे रहते हुए आनंद पूर्वक एक दीर्घ जीवन व्यतीत करने के बाद 1832 ईस्वी में इस महान विचारक की मृत्यु हो गई, यानी कि 1832 में जो इसकी डेथ हुई है। अब इसकी जो रचनाएं तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन मैंने यहाँ जो मोस्ट इसकी जो रचनाएं हैं 4 पुस्तकों के मैंने यहाँ नाम लिखे हैं। तो साथ ही आपको छोटे सवालों में पूछा जा सकता है, जितने भी मैंने विचारक बताए उनकी सभी पुस्तकों को याद करने के लिए मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। जैसे प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉकरोसो, मैकियावेली है, एक्विनास है, सभी जो विचारक इनकी पुस्तकें आपको याद करनी है। तो पहली पुस्तक मैंने इसकी लिखी है कि फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, दूसरी जो पुस्तक है इसकी इंट्रोडक्शन टू दी प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन, तीसरी जो पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, और नंबर 4 पुस्तक है एसे ऑन पॉलिटिकल प्रैक्टिस। तो साथ ही 4 पुस्तक आपको याद होनी चाहिए, जैसे 2 या 3 पुस्तक आपको जो है परीक्षा में यहाँ
पूछी जा सकती है। अब देखिए इन पुस्तकों के बाद में अपन यहाँ देखते हैं जो अगला कदम है कि बेंथम का उपयोगितावाद, यानी कि बेंथम ने जो उपयोगितावादी सिद्धांत उस समय प्रसिद्ध था उसमें क्या सिद्धांत दिया, उसने क्या चैलेंज की, तो उसके बारे में अपन यहाँ इसका अध्ययन करते हैं। हाँ तो साथियों यहाँ अपन देखते हैं बेंथम का उपयोगितावाद, यानी कि नैतिकता की परंपरागत धारणाओं का खंडन किया और जो है सुखवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है यहाँ बेंथम ने। तो उपयोगितावाद बेंथम की समूची विचारधारा तथा चिंतन का एकमात्र मूल मंत्र और आधारशिला है, यानी कि जो बेंथम का दर्शन का मूल आधार जो है वह है उपयोगितावाद का सिद्धांत। बेंथम ने तत्कालीन समय में नैतिकता की सभी धारणाओं का खंडन किया और उपयोगितावाद को नैतिकता का तथा मानवीय जीवन का आधार बनाया, यानी कि बेंथम के समय में जितने भी जो प्राचीन नैतिकतावाद के सिद्धांत चल रहे थे उन्होंने इनका खंडन किया और जो है सुखवादी सिद्धांत का, उपयोगितावाद के जो सिद्धांत था अधिकतम व्यक्ति अधिकतम सुख उसका जो है प्रतिपादन किया। लोग ईश्वर की इच्छा को नैतिकता का आधार मानते थे, ठीक है ना, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में कोई घटना घट गई तो जो लोग है उसको ईश्वर की इच्छा मानते थे। लोग ईश्वर की इच्छा को नैतिकता का आधार मानते थे और उनका कहना था कि जो कुछ ईश्वर की इच्छा अर्थात धर्मशास्त्रों के अनुकूल है वह नैतिक है और जो कुछ इसके विपरीत है वह अनैतिक और पापमूलक है। तो इसके लिए बेंथम ने क्या कहा कि इसके अतिरिक्त नैतिकता के संबंध में प्राकृतिक विधि की धारणा प्रचलित थी और कुछ दार्शनिक मनुष्य के अंतकरण को नैतिकता का स्रोत मानते थे। बेंथम ने इन सभी सिद्धांतों को अस्वीकार करते हुए कहा कि ईश्वरीय इच्छा, प्राकृतिक विधि और अंतकरण ये सब कुछ व्यक्तिगत या आत्मगत कल्पनाएं मात्र है, यानी कि ईश्वरीय विधि जो अपनी आत्मा पे अपन सोचते अंतकरण तो ये सब क्या है एक कल्पनाएं मात्र हैं और मनुष्य को जो कुछ अच्छा लगता है उसी को वह ईश्वरीय इच्छा, प्राकृतिक विधि या अंतरात्मा के अनुकूल कह देता है, यानी कि जो मनुष्य को अच्छा लगता है वह उसको क्या कहता है कि यह ईश्वर की कृपा से हुआ है, ठीक है ना, यानी उसको ईश्वरीय कृपा वो कहता है। ईश्वरीय इच्छा, प्राकृतिक विधि, अंतरात्मा के संबंध में प्रामाणिक रूप से हमारे द्वारा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए ये धारणाएं क्या है निरर्थक है, यानी कि मनुष्य के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं तो जब अच्छी घटनाएं घटती हैं तो मनुष्य क्या कहता है कि ये तो ईश्वर की कृपा से हुआ, अगर बुरा होता है तो कहता है कि ये ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध हुआ है। तो बेंथम कहता है कि ये जो धारणाएं प्रचलित हैं वो सब निरर्थक हैं। नैतिकता की इन परंपरागत धारणाओं के स्थान पर बेंथम सुखवाद में विश्वास करता है और यह मानता है कि सुख तथा दुख दूसरे शब्दों में प्रसन्नता और पीड़ा मनुष्य के दो सार्वभौम शासक हैं। स्वयं बेंथम के शब्दों यानी कि स्वयं बेंथम कहता है कि प्रकृति ने मानव को सुख दुख नामक दो प्रभुत्वपूर्ण स्वामियों के शासन में रखा है। हमें क्या करना चाहिए या हम क्या करेंगे यह केवल वे ही निश्चित कर सकते हैं। एक मनुष्य अपने शब्दों द्वारा उनके शासन से बचने का दिखावा भले ही करे किंतु वास्तव में सदैव उसके अधीन ही रहेगा, यानी कि ईश्वर जो है प्रकृति ने मानव को सुख दुख दो शासकों के अधीन रखा है और मनुष्य को जो है उनके अधीन ही रहना यहाँ होगा। कार्यों के उद्देश्यों की अपेक्षा परिणाम का महत्व, यहाँ बेंथम ने बताया है कि कार्यों के उद्देश्य की अपेक्षा परिणाम का महत्व। बेंथम कार्यों के उद्देश्यों की अपेक्षा परिणाम को महत्वपूर्ण मानता है। कोई काम किस उद्देश्य से किया जाता है इसका कोई महत्व नहीं है, महत्व की चीज़ तो उसका परिणाम है। उसके अनुसार जो वस्तु हमें सुखद अनुभूति देती है वह अच्छी, ठीक और उपयोगी है और जिस वस्तु से हमें दुख की अनुभूति होती है वह बुरी, गलत और अनुपयोगी सिद्ध होती है। तो जो बेंथम है वो क्या कहते हैं कि कार्यों के उद्देश्य की अपेक्षा उसका परिणाम जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। कोई वस्तु हमें अगर सुख प्रदान करती है तो वो हमारे लिए उपयोगी है, अच्छी है और जिस वस्तु से हमें दुख मिलता है तो वो हमारे लिए दुखदायी या पीड़ादायक सिद्ध होती है। दूसरी बात, वो सुख दुख के स्वरूप की यहाँ बात करता है बेंथम, तो क्या कहता है इस प्रकार उपयोगितावाद का सिद्धांत सुख की प्राप्ति और दुख के निवारण का सिद्धांत है। सुख की प्राप्ति
और जो दुख है उसके निवारण का एक उपाय है। सुख और दुख का स्वरूप क्या है और इसका निर्धारण कैसे किया जाए, इसका बेंथम ने वैज्ञानिक ढंग से विस्तृत विवेचन किया है। उसके मत में सादे या सरल सुख 15 प्रकार के हैं, यानी कि 15 प्रकार के सुखों की वो बात करता है। इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाले सुख, संपत्ति, दक्षता, मित्रता, उत्तम चरित्र अथवा कीर्ति, शक्ति, पवित्रता, परोपकार, असत कामना, बुद्धि, स्मृति, कल्पना, आशा, शासन और दुख मुक्ति से प्राप्त होने वाले सुख। सादे दुख केवल 11 प्रकार के, यानी कि 15 प्रकार के सुखों की बात करता है और 11 प्रकार के दुखों की बात करता है। यानी कि इंद्रियों से प्राप्त होने वाले दुख, पीड़ा, ग्वारपन, कोढ़पन, शत्रुता, बदनामी, उदारता, द्रोह, स्मृति, कल्पना, प्रत्याशा, साहचर्य, अशोभनीयता से उत्पन्न कष्ट, सरल कष्ट है, वह अन्य सब प्रकार के सुख और दुख से पूर्वोक्त आनंद और कष्टों के मिश्रण से उत्पन्न होते हैं। तो साथियों, यहाँ आपको जो है बेंथम ने कितने प्रकार के सुख बताए, कितने प्रकार के दुख बताए, तो 15 प्रकार के सुख और 11 प्रकार के दुख उसने बताए हैं। अब यहाँ सुख दुख के स्रोत कौन कौन से हैं उनकी भी यहाँ चर्चा करी है बेंथम ने। तो बेंथम के अनुसार सब सुख और दुख बाहरी कारणों के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं, किंतु सब व्यक्तियों को एक कारण से समान मात्रा में सुख अथवा दुख नहीं होता। इसका कारण व्यक्तियों की संवेदनशीलता या अनुभव करने की शक्ति में अंतर है। यानी कि सभी व्यक्तियों को जैसे मान लीजिए सुख मिलता है तो वो एक मात्रा में नहीं मिलता, दुख मिलता है तो वो एक मात्रा में नहीं मिलता, क्योंकि इसका कारण संवेदनशीलता या अनुभव करने की शक्ति में अंतर होता है। बेंथम के अनुसार मनुष्य की संवेदनशीलता 32 चीज़ों से प्रभावित होती है, जिसमें से कुछ मुख्य हैं स्वास्थ्य, ज्ञान की मात्रा, बौद्धिक क्षमता, मन की स्थिरता, नैतिक संवेदनशीलता, धार्मिक संवेदनशीलता, आर्थिक परिस्थिति, लिंग, आयु, पद, जलवायु आदि के कारण उसमें जो है मन की भावना है। ठीक है, तो इनके कारण जो है जो व्यक्ति की जो भावना है अनुभव करने की शक्ति में अंतर होता है। बेंथम ने सुख दुख के 5 स्रोत यहाँ बताए हैं जो इस प्रकार से हैं कि पहला जो स्रोत बताया है वो प्राकृतिक है। जब कोई सुख या दुख प्राकृतिक घटनाओं से के कारण होता है तो वह प्राकृतिक सुख दुख कहलाता है। यानी कि सुख दुख के कितने स्रोत बताए हैं बेंथम ने, 5, जिसमें पहला प्राकृतिक, दूसरा बताया राजनीतिक अथवा कानूनी। जब कोई सुख या दुख राजनीतिक व्यवस्था अथवा कानून के कारण मिलता है तो वह राजनीतिक सुख दुख कहलाता है। तीसरा बताया है नैतिक, जब कोई सुख या दुख नैतिक दृष्टि से अच्छा या बुरा काम करने पर होता है तो उसे नैतिक सुख दुख कहते हैं। नंबर 4 है सामाजिक या लौकिक, जब किसी कार्य को करने पर समाज में हमें पुरस्कार या दंड देता है तो वह हमारा सुख या सामाजिक होता है। यानी कि समाज के लिए जिस प्रकार से हम कार्य करते हैं अगर हमें पुरस्कार या दंड मिलता है तो सामाजिक सुख दुख कहलाता है। धार्मिक, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार या धर्म विरुद्ध काम करने पर जो सुख या दुख मिलता है उसका स्रोत धर्म होता है, धर्म के संबंध में सुख दुख मिलना। ठीक है, तो सुख दुख के स्रोत कौन कौन से हो गए, प्राकृतिक हो गया, राजनीतिक हो गया, धार्मिक हो गया, नैतिक, सामाजिक या लौकिक। अब साथियों अपन यहाँ बात करते हैं कि सुखों में गुण का नहीं परिणाम का भेद यहाँ होता है। बेंथम कहता है कि सुखों में जो है वो गुण का नहीं बल्कि परिणाम का जो है महत्व यहाँ होता है। तो यहाँ अपन देखते हैं कि बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह विभिन्न सुखों में केवल परिणाम, परिमाण या मात्रा का भेद मानता है। यानी कि जो है गुण का भेद नहीं मानता, परिमाण का भेद यहाँ मानता है, गुण का नहीं। उसके अनुसार विभिन्न सुख जो हैं, विभिन्न सुख एक दूसरे से कम अथवा अधिक हो सकते हैं। यानी कि उसके अनुसार जो विभिन्न सुख हैं वो कम या अधिक हो सकते हैं, किंतु गुण में भिन्न नहीं होते। यदि हम कहें कि काव्य का आनंद भोजन के आनंद से अच्छा है, यानी कि काव्य का जो आनंद है वो भोजन के आनंद से ज़्यादा अच्छा है, तो इसका अर्थ यह होगा कि वह भोजन के आनंद से मात्रा में अधिक है। उपयोगिता के सिद्धांत के अनुसार यह कहना गलत होगा कि एक सुख दूसरे से श्रेष्ठ अथवा निम्न कोटि का होता है। यानी कि यहाँ बेंथम कह रहा है कि उपयोगिता की दृष्टि के सिद्धांत के अनुसार यह कहना गलत होगा कि एक सुख है दूसरे से सुख से ज़्यादा श्रेष्ठ होता है या निम्न कोटि का होता है। यदि हमें सुखों के बीच गुणात्मक भेद मान लिया तो फिर उपयोगिता अच्छाई का मापदंड नहीं रहेगी।
यानी कि बेंथम कहता है कि जो सुख दुख का जो भेद है वो परिणाम के आधार पर ही माना जा सकता है, गुण के आधार पर नहीं। अगर अपन ने सुखों के बीच गुणात्मक भेद मान लिया तो फिर उपयोगिता अच्छाई का मापदंड नहीं रहेगी। फिर हमें अच्छाई का कोई अन्य मापदंड ढूंढना होगा। विभिन्न सुखों में केवल मात्रा का ही भेद होता है। इस संबंध में उसकी प्रसिद्ध उक्ति भी है कि सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि काव्य पाठ। ठीक है, इस प्रकार जो बेंथम है वो सिर्फ सुखों में गुण का नहीं बल्कि परिणाम का ही भेद वो मानता है। ठीक है, अब एक बात यहाँ और करता है बेंथम की आनंद मापक पद्धति, यानी कि आनंद को मापने की पद्धति, उसमें छह बिंदु वो बताता है। आनंद मापक पद्धति के छह बिंदुओं की यहाँ चर्चा करता है। सबसे पहला तीव्रता है, निश्चितता है, निकटता है, उत्पादकता है, विशुद्धता है और विस्तार है। ठीक है ना, तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो बेंथम है वो आनंद मापक पद्धति, सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि आनंद मापक पद्धति किसने विकसित की, बेंथम ने, कितने तत्वों की वो बात करता है, तो छह तत्वों की बात करता है। तो ये आप नोट कर लें आपकी पुस्तक में कि बेंथम के विचार में सुख दुख को मापा जा सकता है और इसके लिए उसने एक आनंद मापक पद्धति प्रदान की। इसके अनुसार इस संबंध में छह बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, तीव्रता, निश्चितता, निकटता, उत्पादकता अर्थात सुख दुख अपने जैसा दूसरा सुख उत्पन्न करता है और विशुद्धता। ये बातें व्यक्तिगत सुख और दुख को मापने के लिए आवश्यक है, किंतु व्यक्ति समूह के सुख और दुख को मापने के लिए अन्य बात भी ध्यान देना जरूरी है। यह है विस्तार अर्थात मिलने वाले सुख या दुख का प्रभाव कितने व्यक्तियों पर पड़ने वाला है, व्यक्ति लिए कौन सा कार्य उपयोगी होगा, इसके लिए उसने उपरोक्त सातों आधारों को अंक देकर अधिक अंक वाला अपनाना होगा। सुखी सुख और दुख की गणना करने के लिए किसी निश्चित परिणाम पर पहुंचने के बेंथम ने एक प्रक्रिया भी दी है। तो साथियों ये चीज आप ध्यान रखें, उसने छह तत्वों का यहाँ जो है उपयोग किया है। तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता, उत्पादकता और छठा है विशुद्धता। इस प्रकार आपसे ये छह बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो साथियों एक बार इसको मैं यहाँ दोबारा रिवाइजन करना चाहूँगा। दयानंद बेंथम 1748 से 1832 जीवन परिचय पन्ने पढ़ा, इसकी रचनाएं पन्ने पढ़ी, बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत जो दिया है कि कितनी जो व्यक्ति उपयोगी वस्तु है वो व्यक्ति के लिए कितनी उपयोगी है, कि आपको सवाल पूछा जाता है बेंथम का उपयोगितावाद, सुखों में गुण का नहीं सिर्फ परिणाम का वो भेद मानता है और आनंद मापक पद्धति से विकसित की है जिसके छह बिंदु उसने यहाँ बताए हैं। अब जो बेंथम की जो आगे वाला टॉपिक है वो अपन आगे वाली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों थैंक यू, धन्यवाद।